संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधु, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में पंचम अध्याय के माध्यम से द्रव्य का वर्णन, द्रव्य के स्वभाव, उसके उपकार आदि का वर्णन किया जा रहा है। अभी तक सभी द्रव्यों के उपकार के बारे में आपको बताया गया, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल द्रव्य के भी दो सूत्रों में उपकार बताए और जीव द्रव्य का भी उपकार बताया गया। जिस द्रव्य की चर्चा अभी रह गई थी, उस द्रव्य का यहाँ पर उपकार बताया जाना प्रसंग प्राप्त है। 6 द्रव्यों में एक काल द्रव्य भी आता है। सभी द्रव्यों के उपकार हैं और सभी अपने अपने उपकार करने में प्रवर्तन करते ही रहते हैं, कर ही रहे हैं। इस उपकार में लगे रहने का भी जो सबसे बड़ा प्रवर्तन कराने का जिसका मुख्य हेतु होता है, वो काल द्रव्य के माध्यम से जाना जाता है। उसी के उपकारों को बताने के लिए यह सूत्र आता है। वर्तना परिणाम क्रियाहा परत्वा परत्वेच कालस्य। काल द्रव्य के ये उपकार बता करके यहाँ पर काल द्रव्य की सिद्धि कर दी गई है कि काल भी एक द्रव्य है। द्रव्यों के उपकारों में काल द्रव्य के उपकार सभी द्रव्यों से बिल्कुल भिन्न हैं। अन्य द्रव्यों के उपकार गति रूप हैं, स्थिति रूप हैं, अनेक तरह के शरीर मन वचन आदि बनाने रूप हैं, उपग्रह जीव का जीव के ऊपर करने रूप हैं। लेकिन जो काल द्रव्य है, इसका उपकार अपने आप में बिल्कुल ही भिन्न है। काल द्रव्य का उपकार समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि काल जो द्रव्य है वो किस रूप में है, किस तरह से व्यवस्थित है। काल भी अपने अस्तित्व को रखता है, काया उसकी नहीं होती, बहुप्रदेशी उसमें नहीं होता। इसी कारण से उस काल को अस्थिकाय के रूप में लेकर के नहीं चले। काल द्रव्य तो है लेकिन बहुत आकाश के प्रदेशों को घेरने रूप बहुप्रदेशी स्वभाव उसके अंदर नहीं, इसलिए उसको काय नहीं कहा गया। लेकिन द्रव्य है, उसका अस्तित्व है, और जिस तरह से द्रव्यों के सामान्य गुण हुआ करते हैं, वो सभी सामान्य गुण इस काल द्रव्य में भी पाए जाते हैं। और जो द्रव्यों के विशेष गुण हुआ करते हैं, उन विशेष गुणों को भी काल द्रव्य अपने में समाहित करता है। सभी द्रव्यों के अपने अपने विशेष गुण हैं,
तो काल द्रव्य का अपना विशेष गुण अलग है। वही यहाँ बताया जाना है कि जो काल द्रव्य है वह सामान्य गुण और विशेष गुण दोनों प्रकार के गुणों को अपने में धारण किए हुए एक परमाणु बराबर एक स्थान घेरता है। केवल एक सिंगल स्पेस पॉइंट में ही जो है यह रहने वाला द्रव्य है, इसीलिए इसको कालाणु भी कहा जाता है। एक काल द्रव्य को कालाणु कहा जाता है क्योंकि वह अणु की तरह ही अपना स्थान घेरता है, इसलिए काल भी एक एक अणु की तरह आकाश के प्रदेशों पर व्यवस्थित है। और ऐसे ये कालाणु पूरे लोकाकाश में फैले हुए असंख्यात होते हैं, जो लोकाकाश के ही असंख्यात प्रदेशों के बराबर होते हैं। इस एक एक कालाणु को ही अलग अलग काल द्रव्य कहा जाता है, और इस काल द्रव्य के माध्यम से ही अनेक तरह के जो परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं उनमें यह मुख्य कारण होता है। काल द्रव्य को दो प्रकार से जानना, एक परमार्थ काल कहा जाता है जिसे निश्चय काल भी कहते हैं, और एक व्यवहार काल होता है। जो परमार्थ काल है या निश्चय काल है वह तो कालाणु के अस्तित्व रूप है। जो काल द्रव्य है उसका जो अस्तित्व है उस अस्तित्व के रूप में रखना रहना ये वह निश्चय काल का काम है। जो भी लोकाकाश के प्रदेशों पर ये कालाणु व्यवस्थित हैं ये सभी क्या हुए, ये निश्चय काल हुए, ये परमार्थ रूप काल कहलाए। इन परमार्थ रूप काल के माध्यम से ही व्यवहार काल की उत्पत्ति होती है। दो प्रकार का यह काल द्रव्य का विभाजन करने के बाद ही आप इस सूत्र का अर्थ समझ पाएंगे। पहले समझें कि जो परमार्थ काल है वो किसको कहा जा रहा है, वह उस काल द्रव्य को कहा जा रहा है। वस्तुतः वही निश्चय काल है, वही परमार्थ है, और जो आकाश के एक एक प्रदेश पर व्यवस्थित है उस द्रव्य को पहले हमें स्वीकार करना है, क्योंकि परमार्थ काल को स्वीकार किए बिना व्यवहार काल की उत्पत्ति नहीं संभव है। जब द्रव्य ही नहीं होगा तो उससे उत्पन्न होने वाली पर्याय कैसे संभव है। तो द्रव्य को भी हमें स्वीकार करना है और उसकी पर्यायों को भी स्वीकार करना है। पर्यायों को गिनने के लिए अलग तरह की जरूरत पड़ती है, और द्रव्य का केवल अस्तित्व समझने के लिए अलग तरह के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो जो निश्चय काल है, परमार्थ काल है, वह तो हमेशा द्रव्य के रूप में स्थित रहने वाला है, उसको हमें क्या कहना, निश्चय काल। जिसे हम काल द्रव्य कहेंगे वो एक तरह से क्या कहा जा रहा है, निश्चय काल या परमार्थ काल। उस काल द्रव्य का अपना एक लक्षण है, द्रव्य है तो द्रव्य का अपना लक्षण होता है, और वह लक्षण ही उसका अपना विशेष गुण होता है। जैसे जीव द्रव्य का अपना एक लक्षण है, उपयोग कहो या चेतना कहो, वही उसका विशेष गुण होता है। धर्म द्रव्य का अपना एक विशेष लक्षण है, गति में सहायक होना, वही उसका अपना विशेष गुण होता है। तो इसी तरह से काल द्रव्य का भी एक अपना लक्षण है और वही उसका विशेष गुण है। उस विशेष गुण को जानने के लिए यहाँ पर आपको जो पहला शब्द दिया गया उस पर ध्यान देना है, वर्तना। क्या कहा गया, वर्तना। यह वर्तना क्या है, ये काल द्रव्य का लक्षण है। इसको क्या समझना, काल द्रव्य का लक्षण। यानी काल द्रव्य की विशेषता को जानने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना होगा, केवल जो है उसमें वर्तना लक्षण रहता है, ये अपने काल द्रव्य की ये सबसे पहली विशेषता है ना। काल द्रव्य की विशेषता क्या है,
जैसे आपने अभी तक बहुत बार धर्म द्रव्य की, अधर्म द्रव्य की, आकाश द्रव्य की अपनी अपनी विशेषता सुन रखी है, ऐसे ही काल द्रव्य की विशेषता किससे जानना? वर्तना से जानना, है ना। अब ये वर्तना क्या है? बस वर्तना, जिसे हम कहते हैं होते रहना, होना, इसी को कहा जाता है वर्तना। तो यह जो वर्तना है, यह वर्तना काल द्रव्य का ही लक्षण है और किसी द्रव्य का लक्षण नहीं है। क्या करना? जिसे हम कह सकते हैं केवल बस होना, जो कुछ भी द्रव्य में हमेशा होता रहता है वह काल द्रव्य के माध्यम से होता रहता है। होने की स्थिति कहाँ तक बढ़ सकती है ये बात अलग है, लेकिन हर द्रव्य की अपनी जो सत्ता है और उस सत्ता को बनाए रखने की जो उस द्रव्य की अपनी अनुभूति है कि ये सत्ता बनी हुई है, वह अनुभूति टिकी हुई है इस काल द्रव्य के वर्तना लक्षण के कारण से। कुछ समझ आया? यही समझने की चीज है, बाकी तो आगे सिंपल है सब। समझ आ रहा है? वर्तना मतलब क्या है? हर द्रव्य में सत्ता है और हर द्रव्य का अपना सत्ता नाम का एक अपना गुण भी है और उसका अपना अस्तित्व उसी गुण के कारण से बना हुआ भी है। सत्ता बनी है तो सत्ता बनी रहने के लिए उत्पाद, व्यय, द्रव्य ये भी जरूरी होता है, उसके बिना किसी भी द्रव्य की सत्ता रहती नहीं। तो ये जो उत्पाद, व्यय, द्रव्य, अगर हम इसी को समझ लें, यही उसका वर्तना लक्षण है। हर द्रव्य के अंदर, चाहे वो किसी भी तरह का द्रव्य हो, किसी भी तरह की स्थिति में हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, अमूर्त हो, मूर्त हो, किसी भी तरह का द्रव्य हो, द्रव्य यदि है तो उसमें उत्पाद, व्यय, द्रव्य होता ही है, तभी उसका अस्तित्व बना रहता है। और इस अस्तित्व में बने रहने की जो अनुभूति है, इसी का नाम वर्तना है, कि वो हो रहा है, हो रहा है या रह रहा है, वह अपने अस्तित्व में रह रहा है, इसका नाम है वर्तना। अस्तित्व का कभी नाश नहीं होता, किस कारण से? कि उसमें उत्पाद, व्यय चलता रहता है। अब वो उत्पाद, व्यय भी क्यों चलता रहता है? तो उसके लिए भी बाहरी जो हेतु है, बाहरी जो निमित्त है, वही बाहरी निमित्त को यहाँ पर वर्तना कहा गया। अब ये बहुत सूक्ष्म है। काल द्रव्य का अस्तित्व भी अपने आप में स्पर्श रहित है, गंध रहित है, वर्ण रहित है और रस रहित है। सुन रहे हैं? क्योंकि ये तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण मूर्त द्रव्य का लक्षण है और काल द्रव्य अमूर्त है। काल द्रव्य कैसा है? अमूर्त है। अमूर्त द्रव्य का किसी भी तरीके से परिज्ञान होना, ये अपने आप में सिवाय सर्वज्ञ के और किसी के लिए संभव नहीं है। तो एक तो काल द्रव्य की यह अमूर्तता, अदृश्यता, प्रत्यक्ष प्रमाण से रहित होना, और फिर उसके साथ साथ उस काल द्रव्य में इस तरीके की शक्ति होना कि वह काल द्रव्य सब द्रव्यों के लिए वर्तना लक्षण वाला है, सब द्रव्यों में वर्तना करा रहा है, वह उसका मुख्य लक्षण उन द्रव्यों के अस्तित्व के बने रहने से ही ज्ञात होता है। सबसे जो सूक्ष्म चीज है वो यह है। निश्चय जिस तरीके से सूक्ष्म होता है, उस निश्चय की परिणति को समझाना जिस तरीके से सूक्ष्म होता है, उसी तरीके से वर्तना को समझना सूक्ष्म है। समझ आ रहा है ना? क्योंकि इसी सूक्ष्मता से स्थूलता की पर्याय आगे ज्ञान में आएंगी, पकड़ में आएंगी। तो जो
हर द्रव्य की सत्ता को बनाए रख रहा है, हर द्रव्य में जो उत्पाद व्यय द्रव्य का कारण बन रहा है, और जो हर द्रव्य के अंदर षट गुणी हानि वृद्धि होती है, उस हानि वृद्धि रूप जो हमेशा वर्तन कराता है, उसी का नाम वर्तना लक्षण वाला काल है सब द्रव्यों के लिए। दूसरे द्रव्यों के लिए भी करा रहा है, स्वद्रव्य के लिए भी करा रहा है, क्योंकि अस्तित्व में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अन्य जितने भी द्रव्यों के उपकार हैं वो उनके अस्तित्व में भूमिका नहीं रखते हैं। जैसे धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश, पुद्गल, जीव भी किसी द्रव्य के अस्तित्व में कोई भूमिका नहीं रखता है, अस्तित्व में कोई हेल्प नहीं करता है कि उसके कारण से उसका अस्तित्व बना हुआ है। केवल ये काल द्रव्य है जो हर द्रव्य के अस्तित्व की अनुभूति को बनाए रखने के लिए वर्तना लक्षण से परिणमन कराता रहता है। इसलिए इस काल द्रव्य का अपने आप में बड़ा महत्व है। बहुत से लोग तो इस काल द्रव्य को द्रव्य ही नहीं मानते, पहली बात तो, और जो विज्ञान है वो विज्ञान भी काल की कोई स्पष्ट डेफिनेशन नहीं दे पाता, किसी ना किसी के रिलेटिव जो हम टाइम को काउंट करते हैं बस उसी को वो काल कह लेता है। काल की कोई अपनी बेसिक जो डेफिनेशन होनी चाहिए वो कोई भी साइंटिस्ट ने आज तक नहीं बता पाई। काल द्रव्य के बारे में किसी भी साइंटिस्ट ने अनुमान नहीं लगा पाया। काल एक परिणति के रूप में जाना गया, जो हम एक कोई भी काम करते हैं उसमें जो टाइम है वो टाइम किसी ना किसी से हम रिलेट करते हैं, और वो रिलेटिव टी के साथ ही टाइम को बताया जाता है, जो बहुत स्थूल चीज है। आगे आने वाला एक परत्वापरत्व एक फैक्टर है, उसी में ये सब चीज़ें लग जाएंगी जितना साइंस ने आजकल सीखा है और सिखाया है। अगर हम पीछे से देखें तो साइंस अभी केवल परत्वापरत्व पर टिका हुआ है, क्रिया परिणाम और उसके पीछे वर्तना, ये सब पीछे से देखेंगे सूक्ष्मता की ओर है, और आगे से देखेंगे तो स्थूलता की ओर है। सबसे छोटी चीज क्या है, सबसे सूक्ष्म परिणति क्या है समझ पाना वर्तना है, बस जो हो रहा है। प्रत्येक द्रव्य है, उस द्रव्य के अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो बाहरी द्रव्य निमित्त हो रहा है वो काल द्रव्य है। जीव द्रव्य के अस्तित्व को भी अस्तित्व रूप जो उसके अंदर घटना है, जिसके कारण से उसमें हर समय पर षट गुणी हानि वृद्धि होती रहती है, और हर समय पर जिसमें पर्याय उत्पन्न होती है नष्ट होती रहती है, उस उत्पन्न और नष्ट हुई पर्याय के साथ में ही उस द्रव्य का जो अस्तित्व बना रहता है, इस अस्तित्व को वर्तना कराने में माने इस अस्तित्व को बनाए रखने में जो मुख्य भूमिका रखता है वो काल द्रव्य है। कुछ आ रहा धीरे धीरे। काल द्रव्य का सबसे पहला लक्षण क्या है, वर्तना, और ये लक्षण परमार्थ काल का है, व्यवहार काल की शुरुआत नहीं हो रही अभी। परमार्थ काल निश्चय काल उसका लक्षण है वर्तना, वट्टण लखो या परमठो काय में द्रव्य संग्रह। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अब तक अध्याय 5 में हमने 6 द्रव्यों में से पंच अस्थिकायों के उपकार को जाना। सूत्र 22 में हमने छठवें काल द्रव्य के उपकारों को जाना। काल द्रव्य अन्य सभी द्रव्यों में प्रवर्तन कराने का मुख्य हेतु है। इस उपकार से काल द्रव्य की सिद्धि होती है। यह एक द्रव्य है जिसका अस्तित्व है, यह बहुप्रदेशी नहीं है, अतः अस्थिकाय नहीं है। यह स्पर्श रस गंध वर्ण रहित अमूर्त है। इसमें द्रव्य के सामान्य गुण और अपने विशेष गुण दोनों होते हैं। ये एक स्पेस पॉइंट या अणु के बराबर स्थान घेरता है, इसीलिए
एक काल द्रव्य को कालाणु भी कहते हैं। एक एक कालाणु लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में हर एक प्रदेश पर व्यवस्थित है। काल द्रव्य को दो प्रकार से जाना जाता है, परमार्थ या निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल कालाणु के अस्तित्व रूप है, यानी लोकाकाश के प्रदेशों पर व्यवस्थित कालाणु निश्चय काल हुए और इनके माध्यम से ही व्यवहार काल की उत्पत्ति होती है। कालाणु को स्वीकार किए बिना व्यवहार काल की उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि द्रव्य के बिना पर्याय संभव नहीं। पर्यायों को गिनने के लिए और द्रव्य का अस्तित्व समझने के लिए अलग तरह के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। निश्चय काल हमेशा द्रव्य के रूप में स्थित रहता है। इसका विशेष लक्षण वर्तना है, यानी होते रहना, होना या केवल बस होना। वर्तना सिर्फ काल द्रव्य का लक्षण है, अन्य द्रव्य का नहीं। हमने जाना कि हर द्रव्य की अपनी सत्ता की अनुभूति काल द्रव्य के वर्तना लक्षण से होती है। हर द्रव्य में सत्ता और सत्ता नाम का गुण है, जिसके कारण उसका अपना अस्तित्व बना हुआ है। सत्ता बनी रहने के लिए उत्पाद व्यय द्रव्य भी जरूरी होते हैं। ये हर द्रव्य शुद्ध अशुद्ध अमूर्त मूर्त आदि में होते रहते हैं। इसी से उसका अस्तित्व बना रहता है और अस्तित्व में बने रहने की अनुभूति ही वर्तना है। वर्तना उत्पाद व्यय के चलने में बाहरी हेतु है। वर्तना बहुत सूक्ष्म है और जिस प्रकार निश्चय की परिणति को समझना सूक्ष्म होता है, उसी प्रकार इसे समझना भी सूक्ष्म है। इसी सूक्ष्मता से स्थूलता की पर्याय आगे ज्ञान के पकड़ में आएंगी। काल द्रव्य हर द्रव्य की सत्ता को बनाए रखता है। उनमें उत्पाद व्यय द्रव्य का कारण होता है और उनके अंदर षटगुणी हानि वृद्धि रूप वर्तन कराता है, स्वद्रव्य के लिए भी और दूसरे द्रव्यों के लिए भी। इसका उपकार अन्य द्रव्यों से बिल्कुल भिन्न और महत्वपूर्ण है। अन्य द्रव्य दूसरे द्रव्यों के अस्तित्व में भूमिका नहीं रखते, केवल यही हर द्रव्य के अस्तित्व की अनुभूति को बनाए रखने के लिए परिणमन कराता है। काल द्रव्य के बारे में साइंटिस्ट अनुमान नहीं लगा पाए और ना ही बेसिक डेफिनेशन बता पाए हैं। बहुत से लोग इसे द्रव्य ही नहीं मानते। विज्ञान काल को एक परिणति के रूप में जानता है। किसी भी काम में जो टाइम लगता है उसको किसी न किसी से रिलेट करके काउंट करता है। ये बहुत स्थूल है, जिसे हम आगे परत्वा परत्वे फैक्टर में समझेंगे। इसी पर पूरा साइंस टिका है। हमने जाना कि क्रिया परिणाम और वर्तना स्थूल से सूक्ष्म हो रहा है। जीव द्रव्य का अस्तित्व भी अन्य द्रव्यों की तरह षटगुणी हानि वृद्धि और पर्यायों के उत्पन्न नष्ट होने पर आधारित है और काल द्रव्य से इस अस्तित्व को वर्तना कराने में मुख्य भूमिका रखता है। द्रव्य संग्रह के अनुसार भी वट्टण लखो व परमठो। वर्तना परमार्थ काल का लक्षण है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिन वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम
5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से काल द्रव्य का विशेष गुण कौन सा है? चेतना, मूर्तपना, वर्तना, अस्तित्व। अध्याय 5 की कक्षा 27 के आज के सवाल का सही उत्तर है 21वां। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।